बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करने वाले ओमकार सिंह लखावत ने विधायक रामलाल शर्मा को अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है। लखावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और आगे भी जो कदम उठाने होंगे वो पार्टी के आदेश निर्देश के हिसाब से उठाएंगे। वोटों की खरीद फरोख्त के सवाल पर लखावत ने कहा कि उनके पास तो सिर्फ अपनी जीविका चलाने लायक ही पैसा है, जिससे वो दूध, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीद पाते हैं। आज आप विधानसभा आए, आज नाम वापसी का आखिरी दिन भी है, आप किस मंत्री? मैं तो आज इलेक्शन एजेंट अपॉइंट करना होता है, आज लास्ट डेट है उसकी। तो रामलाल जी जो चौमू के माननीय विधायक हैं, उनको इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने की जो औपचारिकताएं हैं, फॉर्म भर के देना होता है, वो किया, वो काम करने के लिए आया था। आपने एजेंट नियुक्त कर दिया है, अब इसके बाद में आपकी उम्मीदवारी और पुख्ता तौर पर देखी जाए, चुनाव लड़ने का मानस पूरा है पार्टी ने पुख्ता? तो जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको नामांकन भरना है और अगर उसका कोई बाद में कोई और निर्देश ना हो, तो पार्टी ने नामांकन भराया है, इस नामांकन भरा है और अभी मेरे पास पार्टी का ऐसा कोई और निर्देश नहीं है जो मैं इसको विपरीत मानूं। आपके पास में वोटों का गणित क्या कहता है? 200 विधायक है और 3 सीटें हैं, पर्याप्त तो मतदाता है और सीटें 3 हैं, तो निश्चित रूप से सभी को अधिकार है मतदान करने का। क्या ओंकार सिंह लखावत जी इस बार बीजेपी के लिए कमल मुरारका की भूमिका में होंगे, जैसे 2016 में कमल मुरारका ने? मैं देखिए, मैं किसी की भूमिका में नहीं हो सकता, मैं कमल के फूल की भूमिका में हूँ। एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे निर्देश दिया, मैंने आगे कर दिया। पार्टी मुझे कहेगी मत लड़ो, नहीं लड़ूंगा। अगर एक सीट भी होती और मेरे अकेले का नाम होता और पार्टी कह देती कि नहीं लड़ना है, तो मैं नहीं लड़ता। मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मेरा अपना वजूद क्या है पार्टी के बिना? मैं पार्टी के लिए पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से दायित्व लेकर काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे निर्देश दिया, मैंने पालना की। तो पार्टी का अधिकृत नेतृत्व ही कोई ऐलान करेगा, कोई निर्देश देगा, उसके बाद ओंकार सिंह लखावत अगला कोई कदम उठाएंगे। बहरहाल लखावत के साफ संकेत हैं कि सभी को 3 बजे तक का इंतजार जरूर करना चाहिए, उसके बाद एक बार फिर वो संभवतः अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।